Hey everyone, welcome back to my channel. I am Faraha Yasser from Faraha Yasser Official. कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुशहाल और आबाद होंगे. Sorry for the delayed video. I was busy in my personal readings and all like that. Because हमने offers लगाई हुई थी तो बहुत ज़्यादा offer के बगैर भी है. I'm blessed. Thank you कि हमारे लोगों को शऊर आता जा रहा है. ऐसे लोगों से readings लेते हैं जो अथेंटिक होते हैं. बिकॉज मेरे पास ऐसे भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स अब आ रहे हैं कि जो 500, 600 और 1000 पे मेरी रीडिंग करके दे रहे हैं और अपने इतने बड़े बड़े फैसले उन्होंने बर्बाद कर लिए अपनी ज़िंदगी. आई एम अवेयरिंग दोज पीपल कि प्लीज़ कोशिश करें पैसों को ना देखें, एक्सपीरियंस को देखें, वीडियोज़ को देखें, द वे दे टॉक देखिए, द वे दे होल्ड कार्ड देखिए. अकल सबके पास होती है. ठीक है, आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं कि इट्स ऑल अबाउट यू वर्सेस थर्ड पार्टी. यू वर्सेस थर्ड पार्टी देखेंगे कि आप, यानी आप जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे फॉलोअर, मेरे सब्सक्राइबर, उनके लिए और उनकी थर्ड पार्टी जो भी हो, फैमिली हो सकती है, कारोबार हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है, कामिक पार्टनर हो सकता है, कि क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की. एक तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी रखेंगे, एक तरफ आपकी और एक तरफ आपके थर्ड पार्टी की, जो पर्सन आप दोनों के लिए फील कर रहे हैं. पहले तो मैं अपने पर्सनल जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी रीडिंग्स ले रही हूँ. प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा. थ्री कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए हैं. ये थ्री कार्ड थर्ड पार्टी के लिए ले लेते हैं. और थ्री कार्ड आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं. और एक कार्ड हम देंगे ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर कि क्या हमें यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, कि बॉटम ऑफ द डेक जिसे आप कहते हैं कि क्या है. बॉटम ऑफ द डेक है तो बॉटम से ही निकालेंगे. यहाँ रख दिए. टू वर्ड्स आपकी एनर्जी देखते हैं कि आज की आपकी एनर्जी क्या है और विद इन अ वीक आपकी एनर्जी क्या रह सकती है. ठीक है, जब भी आप देखेंगे ओके. फैमिली फंक्शंस किसी चीज़ का आ रहा है. रिटर्निंग टू द रूट्स का कार्ड आया है. मुझे लगता है और जो मुझे सेंस हो रही है और जो दिख रहा है वो ये है, कार्ड्स जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप लोगों के कुछ इवेंट्स हैं आज कल परसों में जिसमें आप स्टक हैं और आपकी अच्छी हैप्पी फैमिली है. आप अपने रिलेशन को लेकर भी सोच रहे हैं, बट द थिंग इज़, द गुड थिंग इज़ कि अब आप कुछ पॉजिटिव होते जा रहे हैं. बाय पासिंग द टाइम आप सोच रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप, आप मुझे चैरिटी करते हुए भी, गिविंग एनर्जी और टूवर्ड्स ग्रैटिट्यूड शो करते हुए यूनिवर्स को, अपनों को, फैमिली को बेहतर बेसिकली वर्जन में आपके आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं. बल्कि हैप्पी फैमिली का कार्ड है बेसिकली. मुझे हैप्पी जो है ना मोमेंट्स आपको याद होते हुए आपके नज़र आ रहे हैं. और जैसे कहते हैं ना कि ट्रैवल की एनर्जी है, आपका कहीं चला जाना, किसी के आपका आ जाना, गैदरिंग हो जाना, दिल बहल जाना, दोस्तों में, फैमिली में, पर्सन के साथ. बहुत सारे लोग तो रियूनियन में हैं मगर वो थोड़े खिंचे खिंचे हुए से हैं. ऐसा नहीं है, जो आपकी तरफ की एनर्जी है ना वो ऑफ एंड ऑन वाली एनर्जी मुझे आज नज़र आ रही है. जो कि मेरे फॉलोअर्स मुझे जिन तक ही वीडियोज़ पहुँचेंगी उनका ऑफ एंड ऑन वाला सिचुएशन हो सकता है. परमानेंट ड्रॉप मुझे बहुत कम का चांसेस है बिकॉज अब बहुत फूल की एनर्जी आई है, विच इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर, ट्रैवल, स्टार्टिंग की जिसे कहते हैं ना, बिगनिंग्स की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है. न्यू बिगनिंग्स होती भी नज़र आ रही है बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हुए, मे बी आफ्टर द हज, आफ्टर समथिंग आप लोग बहुत प्रेयर्स कर चुके हैं इस चीज़ को लेके, या मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि गॉड को बहुत पसंद है, डिवाइन को बहुत पसंद है. तो आप पे आपकी एनर्जी बेसिकली अब चेंज होती हुई नज़र आ रही है. अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी इसमें क्या आ रहा है. अगर आपके पर्सन आपको, ओ गॉड, ओ ये तो बहुत अच्छे कार्ड है बट ये नहीं आना चाहिए था. ठीक है, अब मैं समझ गई. ठीक है, देखिए आपकी पहले तो सबसे पहला जो कार्ड है ना, विच इज़ द मेजर आर्काना से स्ट्रेंथ आया है. दिस इज़ द बेस्ट कार्ड फॉर दिस रीडिंग. अब मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जीज नहीं पता, लेकिन जो आपके पर्सन हैं वो जो आपको लेकर सोच रहे हैं, जस्ट ऑल अबाउट इनर स्टार्टिंग और मैंने आपको बोला बिगनिंग. ठीक है, आफ्टर क्लेमिंग दिस इंशाल्लाह ताला यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ. 72 आवर्स के अंदर यू विल सी सम पीपल्स, आपको मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं. आपके पर्सन कहेंगे कि आप तो हमें याद नहीं करते लेकिन हम आपको याद कर रहे हैं. लेकिन हाँ, आप लोगों का, मेरे व्यूवर्स का किसी मेल के साथ डोमिनेंस हो सकता है. मे बी कोई ऐसा एनर्जी हो सकता है आपके कज़न से, आपके दोस्त से, आपके बॉस से, कोई मेल मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ आपका अप एंड डाउन हो सकता है. तो उससे ज़रा 72 आवर्स के अंदर थोड़ा सा मोहतात रहिएगा. अपनी ज़बान
की तेजी जो भी आपको दिखाया उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बोलेगा आई सी यू लेटर व्हेन माय टाइम कम्स, राइट। उस चीज और मैरिज का सबसे अच्छा कार्ड आया है, आपके पार्टनर कुछ जो है ना मैरिज के अकॉर्डिंग मुझे फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन द थिंग इसका ना डिफेंड का कार्ड आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। अभी डिफेंड इसीलिए आया है क्योंकि मैंने कार्ड थर्ड पार्टी का भी निकाला हुआ है, तो इस वजह से ये ज़रूर आना था। दैट मीन कि आप एक अथेंटिक लीडर के पास मौजूद हैं कि जो आपको ओवरऑल सिचुएशन से आगे करेगा, वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे होते होते मैं जरा थर्ड पार्टी के भी कार्ड्स निकाल लूँ ना, ताकि मुझे पता चले उसके दिमाग में क्या चल रहा है। Expecting this from your side. देखें अब समझ में आया ना कि ये डिफीट का कार्ड किस लिए आया था। ओके, लवर्स का कार्ड आया है, अगर आपकी पर्सन की तरफ प्रोस्पेक्टिव से मे बी देर इज समथिंग दिस इज टोटली फिशी, इस वजह से डिफीट का कार्ड आया कि कोई है जो धोखा दे रहा है आपके पर्सन को, आपको फ्रंट करने के लिए। और एक मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक चीज़ जो है ना मुझे डिलेड की तरफ नज़र आ रही है, वो इसी वजह से नज़र आ रही है कि ये जो कार्ड आया है दिस इज़ नॉट गुड। सडन चेंजेस कि शादी का सोचना, हैप्पी फैमिली का सोचना और फिर एंड में मुखर जाना, ठीक है। और उनकी तरफ बेसिकली आया है, उनकी तरफ करवा लीजिए है ना, आप बीच में आप लोगों के पार्टनर से मुझे बहुत सारे लोगों मैसेज आया भी था, और मुझे फील हो रही है जो चीज़ मुझे दिख रही है बिकॉज कि ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी आपकी थर्ड पार्टी, लेकिन अगेन उन्होंने स्टार्ट करवा दिया आप थ्रू जैसे भी है थ्रू यू नो जिसे कहते हैं कि आपकी तरफ इनका झुकाव आ रहा था कि आपकी तरफ मैसेज भी आ रहा था, आपकी तरफ कॉल भी आ रहा था, सडन वो गायब हो जाते हैं यू नो दैट्स वाई कि उन्होंने लवर्स का और विक्ट्री का जिसे कहते हैं ना विक्ट्री स्पेल करवाया है, लवर्स एंड विक्ट्री स्पेल। इस वजह से आपके पार्टनर के उसमें चीट का कार्ड आया है कि आपको कमिटमेंट देते देते रुक जाना, आपके पास आते आते रुक जाना, आपको प्रस्यू करते करते रुक जाना, ओवरऑल सिचुएशन वेरी फैंटेबल। बट मैं इसके बावजूद आपकी थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है डे बाई डे, में भी आप बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में, आप लोग वेट क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को चाहिए कि आप किसी से भी रीडिंग्स लें, आप अपनी लाइफ को देखें कि मे बी अगर आपके ऊपर स्पेल हुआ हुआ है, या अगर रैंडम भी ज़रूरी नहीं है स्पेल हो, मैजिक को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वहम होता है उनको, तो वो चीज़ें चेक करवा के उसके बाद आप एक नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं टूवर्ड्स यू टूवर्ड्स योर लाइफ, राइट। लेकिन हर वक्त मैजिक नहीं होता, इतने अच्छे आमिलीन हर किसी के पास नहीं है, वंस इन अ ब्लू मून बहुत अच्छा कोई मिल जाए तो मिल जाए हाँ, लेकिन आप लोग बेवकूफ़ हैं जो मैजिक निकलवाने के नाम पर हर जगह पहुँच जाते हैं, जो 5,000, 10,000, 15,000 में आपको पूरा मैजिक रिमूव करके देता है। मैं सदके जाऊँ ऐसे लोगों पर, इतने इनोसेंट हैं वो लोग। थैंक यू। द थिंग इज़ अब प्रॉब्लम ये है, अब मैं एक और मैं लेना तो नहीं चाहती थी, मैं ओवरऑल सिचुएशन में मैं एक और कार्ड निकालूंगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं, लेकिन लेंगे या नहीं, या थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन लेंगे, मैं नहीं जानती क्योंकि ये बीच का है आपके लिए। हम देखते हैं स्टेबिलिटी का जो कार्ड आया है दैट्स अ वेरी गुड कार्ड, आई मस्ट से है कंट्रोल लॉजिकल, और कोई है ओल्डर आपके रिलेशनशिप में, मे बी उनके फादर फिगर हो सकते हैं, कोई उनका दोस्त होता है जो पहले आपके अगेंस्ट बट आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ देखते हैं एक्शन का। ओके, क्रिमिनेशन का कार्ड है ना, कुछ फाइनेंशियल स्टकनेस है, मे बी आपके पार्टनर को उसने फाइनेंशियल स्टक करके रखा हुआ है, या तो वो बहुत स्टेबल है, या तो आपका पार्टनर उसे कोई फाइनेंशियल जो है ना जिसे कहते हैं ना कि हेल्प करता है, उसके रहम करम पे है, और इसलिए वो चाहती नहीं है कि वो छोड़ दें। जबकि मुझे आपकी एनर्जीज अगर मैं देखूँ, अगर यही सिचुएशन है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है वो बंदा उसको करता है, एक बंदी है जो भी है, वो जजमेंट तो आया ही है, लेकिन जजमेंट के साथ क्या है, लेट मी सी क्या है थर्ड पार्टी के लिए, क्या है ये थर्ड पार्टी, क्यों कब जाएगी यार, कब होगा इसका, ये ख़त्म कब होगा। आई डोंट नो, इतनी अच्छी एनर्जी आते रहते ना, मूड ख़राब हो गया मेरा सारा, प्लीज गॉड प्लीज। इतने सारे कार्ड आ गए हैं, इतने सारे हैं, चलो पार्ट टू में देख लेते हैं कि क्या होगा आखिर इस रिलेशनशिप का, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखें ओह